कि इनकी बोट के अंदर फ्यूल खत्म हो गया। अब जब फ्यूल खत्म हो गया तो जाहिर बात है बोट की मोटर ने चलना छोड़ दिया, तो इन्होंने SOS कॉल दी, यानी कि सेव आवर सोल्स, आए और हमें बचाएं। इनके बॉस ने वो कॉल पिक की और उन्हें कहा कि ठीक है आप रुकें, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनके रेडियो की बैटरी भी डाई डाउन हो गई। अब ये मुकम्मल तौर पर समंदर के रहम करम पर आ गए और जो जमीन के वो इतना करीब पहुंच चुके थे, समंदर ने इनको वापस खुले समंदर की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेक्सिको के वो पहाड़ जो कि उनको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे वो दूर होने लगे। दिन गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये बोट पैसिफिक ओशन में मजीद गहरे समंदर की जानिब जाती रही। मिस्टर एल्वारेंगा के अपने बयान के हिसाब से एक दफा ऐसा हुआ कि उनको एक बड़ा जहाज मिला जिसकी जानिब वो हाथ हिलाते रहे, लेकिन वो जहाज नहीं रुका और उसके बाद उनको दोबारा अपने इस 438 दिन के सफर के दौरान में कोई दूसरा जहाज नजर नहीं आया।